मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन निर्मल तक आज मैं आपको कक्षा पांच का गणित पढ़ाऊंगी। अध्याय पर नंबर नंबर एक हल करो। नंबर एक 3.2 मीटर में कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो जो ये मीटर है इसको हम इसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा सूत्र? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। हमको चेंज किसको करना है? 3.2, इसलिए 3.2 बराबर 100 × 3.2। आइए इसे हम गुणा को रफ कार्य में करके देखते हैं। 100 × 3.2, तो सबसे पहले 2 का गुणा इन तीनों से करेंगे, फिर 3 का गुणा। 2 × 0 = 0, 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2। अभी दशमलव को छोड़ देते हैं, इसके बाद दशमलव के बाद क्या है? 3। तो 3 का गुणा करते हैं, 3 × 0 = 0, 3 × 0 = 0, 3 × 1 = 3। अब इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 0 × 0 = 0, 0 × 0, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 और 3 = 3। अब देखिए, एक संख्या के बाद दशमलव है, इकाई संख्या के बाद, तो यहाँ हम इकाई के बाद हम क्या लगा देते हैं? दशमलव। तो हमारा आंसर क्या है? 320, क्योंकि दशमलव के पास 0 है, तो दशमलव के पास जो 0 होता है उसका मोल नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई अंक होता तो हम उसको लेते, दशमलव के पहले क्या है? 320। तो आंसर कितना आया? 320। अभी किसमें चेंज हो गया? 320 सेंटीमीटर। आंसर बराबर 320 सेंटीमीटर। तो आज हमने क्या पढ़ा? अध्याय 12 में लंबाई। जैसे मैंने सवाल समझाया है वैसे ही बाकी सवालों को बुक से देखकर कॉपी में हल करें। थैंक यू।